गुरु ने दिया है, ये एनर्जाइज्ड रुद्राक्ष है, सो आई फील लकी, आई जस्ट लव इट, इट्स नाइस। आज हम लोग बात करेंगे रियल प्रॉब्लम पे, कोविड एक ही वन एंड नोन प्रॉब्लम है। सारी बीमारियां ख़त्म हो गई हैं, आपने देखा होगा सारी बीमारियां ख़त्म हो गई है आया तो, लेकिन बहुत ही प्रॉब्लम कर रहा है लोगों को, अभी कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे कोविड एरा में कैसे हम लोग बेबी रेस करना, क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है और कैसे बच्चों की देखभाल करें ताकि उन्हें कुछ इश्यूज ना आए। फर्स्ट बात करते हैं कि इंडिया में मंथली 2 करोड़ एवरेज यू नो बर्थ है, बेबी बर्थ है, तो आप समझ सकते हैं कि इतने सारे बेबी हैं उनको कैसे देखभाल किया जाए ताकि उनको एक्चुअली कोविड ना हो और कैसे सेफ रखें। तो ये मेरा मानना है, एक फर्स्ट यू नो सबसे पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि बाहर से कोई भी चीज़ आ रही है, देखिए ऑनलाइन से हम लोग भरे बाहर ना जाएं, लेकिन ऑनलाइन से चीज़ें आ रही हैं तो आप एक ही आदमी को असाइन कीजिए, आपके पार्टनर को बोल दीजिए या कोई और है घर में तो उनको बोल दीजिए कि सिर्फ एक ही पर्सन जो समझता हो उस बात को, देखिए बहुत ज़रूरी है कि वो इस बात को समझे कि वायरस कैसे नो ग्रो करता है, कैसे वो कितना ज़्यादा फैल सकता है और किस तरह से सेफ्टी उसके लिए रखना ज़रूरी है। जैसे अगर मैं ये चीज़ मेरी माँ को बोल दूँ या मेरी मदर इन लॉ को बोल दूँ तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वो लोग नहीं समझ पाएंगे कि कैसे एक वायरस फैल रहा है। ओके सो यही चीज़ मैंने बोला, किसी एक ऐसे इंसान को असाइन कीजिए जो इस चीज़ को समझता हो, इस सीरियसनेस को समझता हो, तो केवल उसी इंसान को, बाहर की कोई चीज़ें आ रही हैं तो उनको टच करने दीजिए, वो अपना उस चीज़ों को जगह पे रखें। और एक इस समय में मैं कहना चाहती हूँ एक अलग से जगह बना दीजिए, कुछ भी एक अलग जगह जहाँ बच्चे ना पहुँच पाए या आप भी, आपको भी लग उधर बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े जाने का, तो केवल उसी जगह पे चीज़ें रखिए और वो इंसान टेक केयर करेगा। मैं क्यों ये बोली कि दूसरे को असाइन कीजिए, बिकॉज एक मदर है वो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है बेबी से, बहुत ही ज़्यादा कांटेक्ट होता है बेबी से मदर का, तो अगर मदर बाहर से आने वाली चीज़ों को टच ही ना करे तो यहाँ पे आई थिंक आप 100% इलिमिनेशन कर सकते हैं कि वायरस आपको नो इन्फेक्ट नहीं करेगा। मुझे लगता है कि बहुत ही कम चांसेस हो जाएंगे, बहुत ही कम, आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो इस तरह से एक बहुत ही बड़ा मंत्र है कि आप अपने बेबी को सेफ रख सकते हैं। सो इस स्ट्रेसफुल लाइफ में जहाँ की एक बेबी होना ही थोड़ा बहुत ज़्यादा यू नो इश्यूज़ बोल सकते हैं कि टेंशन होता है कि कैसे सेफ रखें, क्या रखें, कैसे देखभाल करें, तो वो एक अलग सा स्ट्रेस हो गया। और ये कोरोना राम ये अलग से स्ट्रेस करे हुए हैं सारे पेरेंट्स के लिए। तो स्टे ट्यून्ड, आप इसमें अकेले नहीं हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं, जैसा कि मैंने बोला 2 करोड़ एवरेज का मंथली बेबी बॉर्न हो रहा है, तो बहुत सारे यू नो पेरेंट्स हैं जो बेबीज़ के परवरिश को लेके परेशान हैं, और हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे उनको क्या क्या कर सकते हैं ताकि अवॉइड किया जा सके। देखिए अवॉइड करना ज़्यादा अच्छा है देन दी यू नो जंपिंग इन द फायर। सो हेल्थ कंसर्न एंड कीपिंग योर बेबी सेफ, ये इम्पॉर्टेंट है। आप क्या कर सकते हैं, देखिए जो हेल्दी बेबीज़ हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है कोरोना से। ओके प्रॉब्लम किसको होगा, जो ऑलरेडी कुछ कॉन्जेनाइटल डिजीज़ होते हैं, जो हार्ट के डिजीज़ हैं या कोई ऐसे डिजीज़ हैं बेबी में, होते हैं बहुत सारे बेबीज़ में कुछ बाय बर्थ कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इन बेबीज़ को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। जो आप समझ पा रहे हैं ना, जो बड़े लोग भी जो ज़्यादा हेल्दी हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, जो ऑलरेडी कुछ डिजीज़ है कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उनको जल्दी इफ़ेक्ट कर रहा है और
अफेक्ट कर रहा है और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो सेम चीज़ बेबीज़ में भी है। अभी हम लोग देखेंगे कुछ टिप्स जो बेबीज़ के लिए ज़रूरी है, जो हम लोग को अपनाना चाहिए कोविड से सेफ रखने के लिए। तो उसमें क्या है, आप एक तो सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, एकदम भाग जाइए भीड़ से कहीं भी, कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, वर्क फ्रॉम होम हो गया, सारी चीज़ें घर पे आ रही हैं, तो चुपचाप एकदम शांति, साधु बाबा जैसे घर पे बैठे रहिए। तो एक ये हो गया। अगर आपको जैसे क्या हुआ कि वैक्सीनेशन के लिए जाना पड़ता है कभी कभी, या इन केस कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई आपको जाना पड़ा बाहर, पहला सोशल डिस्टेंसिंग, दूसरा मास्क। हाँ, मास्क पे मैंने बताया था आई थिंक लास्ट वीडियो में, 2 ईयर से नीचे के बच्चों को मास्क ना पहना है। लेकिन अगर ऐसा कंडीशन है कि ज़्यादा दूर नहीं रह पा रहे हैं, तो ज़रूर पहना दे थोड़ी देर के लिए, ताकि जब वहाँ से हटे तो लगा सकते हैं, हटा सकते हैं मास्क। क्योंकि बच्चे हैं ना, वो बोल नहीं सकते सफोकेशन हो रहा है या क्या प्रॉब्लम हो रहा है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है। छोटे बच्चे हैं, अभी नहीं बता सकते हैं, इन केस आपका ध्यान नहीं गया तो प्रॉब्लम हो सकता है इसलिए। और है, जैसे लोग क्या होता है, बहुत सोचते हैं कि मैं बोल सकता हूँ कि आप प्लीज़ दूर रहिए या मास्क लगाइए, मेरे बेबी है साथ में, आप ज़्यादा पास मत आइए। यस, बिग यस, बोल सकते हैं आप। डायरेक्ट मुंह पे बोलिए कि प्लीज़ यू टेक केयर, बिकॉज़ बेबी अभी नहीं समझ सकता, वो मास्क नहीं लगा सकता, तो आप ध्यान रखिए, आप बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, ध्यान रखिए इन चीज़ों का। ठीक, अपने सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस एवरीथिंग ले रखे हैं, फिर भी इन केस भगवान ना करे अगर कोई कोविड का सिम्टम दिखने लगा बेबीज़ में, जैसे कोल्ड कफ, फीवर, सांस थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है लेने में, या रनिंग नोज है, डायरिया है, या बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहा है बेबी, तो ये सारे सिम्टम्स हैं कोविड के बेबीज़ में। अगर इन केस ये दिखने लगे, तो फर्स्ट थिंग आप अपने डॉक्टर को फ़ोन कीजिए, जो भी आपने एक डॉक्टर असाइन किया आपके बेबी के लिए, उनको फ़ोन कीजिए। वो आपको बताएंगे कि एक्चुअल में इज़ इट सो सीरियस और इज़ ओके टू बी एट होम। तो आपको अगर बहुत, देखिए माँ समझ सकती है कि सीरियस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आप समझ पाएंगे। तो अगर आपको लगे कि नहीं ये सीरियस हो रहा है, तो तुरंत कॉल करके जाएं, इससे ना हिचके, वो डॉक्टर के पास जाने से हिचकना नहीं है, इम्पॉर्टेंट है, बेबी का है तो इम्पॉर्टेंट है, आपको जाना पड़ेगा। और अवॉइड करें कि क्लिनिक हो, अगर डॉक्टर का अपना खुद का क्लिनिक हो तो वहाँ जाना बेटर है देन गोइंग इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में क्या होता है, बहुत ज़्यादा फुटफॉल होता है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो वहाँ टेंशन, कोविड के केसेस भी आ रहे जा रहे, ये सब ज़्यादा है, इसीलिए आप अवॉइड करें हॉस्पिटल को। आप कोविड ये क्लिनिक प्रिफर कर सकते हैं, उस डॉक्टर से बोलिए आपके क्लिनिक है पर्सनल, वहाँ पे हम आके दिखा देंगे। मास्क के लिए मैंने बोला, जैसे कि देखिए, आप एक बहुत बड़े कैरियर हो सकते हैं आपके बेबीज़ को कोरोना पहुंचाने में, ठीक है। क्योंकि देखिए, बेबी तो खुद से कहीं जा नहीं रहा है, कुछ टच नहीं कर रहा है, आप ही कर रहे हैं एज अ मदर, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि आप अपने अपने सेफ्टी का ध्यान रखें, ताकि बेबी 100% सेफ हो जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। और मास्क के लिए जहाँ तक मैं बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तभी 2 साल से कम के बच्चे को आप मास्क पहनाइए। क्योंकि एक स्टडी मैंने पढ़ा था, उसमें मास्क डेंजरस है बच्चों के लिए, आप समझ सकते हैं। जो पहले, अभी उतना लोग नहीं बोलते हैं, पहले क्या होता है, तो बच्चों को फेस ऐसा कवर करके नहीं सोना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसे कभी कभी डॉक्टर से भी सुना होगा, या हम भी समझ सकते हैं ना कि क्या हुआ बेबी, ऐसा कवर है, क्या कर रहा है मालूम नहीं, समझ नहीं आता है जब वो नहीं बोल रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि क्या बड़ा क्वेश्चन है, कि क्या आप ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हैं वो टाइम में। सपोज़ मदर कोविड पॉजिटिव है और बेबी
बेबी को ब्रेस्ट फिड करा सकते हैं कि नहीं? यस, करा सकते हैं, लेकिन देखिए मैं यहाँ अपनी राय दे रही हूँ, मैं बहुत सारे बहुत सारी चीज़ें पढ़ती हूँ, देखती हूँ बहुत सारी चीज़ें, तो उस बेसिस पे मैं अपनी राय देती हूँ। आप प्लीज़ कोई भी चीज़ मेरी कही बात अपनाने से पहले आप अपने डॉक्टर को फ़ोन कर लीजिए, बेबी के डॉक्टर को। तो क्या हुआ, आप ब्रेस्ट फिड करा सकते हैं, लेकिन 100% सेफ्टी के साथ आप डबल ट्रिपल जो भी आपको हो सके मास्क पहनिए और पूरा अपने आप को सैनिटाइज कीजिए वो टाइम में जब ब्रेस्ट फिड करा रहे हैं। तो एक समझ रहे हैं आप, कोरोना आपके अंदर है, उस आप अपने आप को सैनिटाइज कर लिए और मास्क पहन के देन यू कैन डू दी ब्रेस्ट फीडिंग। ये सेफ है, करा सकते हैं। एक्चुअली अभी तक कोविड मिल्क जो ब्रेस्ट फीडिंग है उससे स्प्रेड होता है ऐसा कोई भी सस्पेक्ट नहीं मिला है और ऐसा कोई भी स्टडी अभी तक नहीं हुआ है, सामने नहीं आया है। आपको पता होगा ब्रेस्ट फीड से एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र होती है मदर से बेबी में, तो ये एक अच्छी बात है। कोविड हुआ है, एंटीबॉडी बनी है तो ट्रांसफ़र होने दीजिए, अच्छी बात है। आजकल ग्रैंड पेरेंट्स जो कहीं नेटिव प्लेस पे बैठे हुए हैं और हमारे जैसे लोग इधर बैठे हुए हैं शहर में हम लोग जॉब करने के लिए, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या ग्रैंड पेरेंट विजिट कर सकते हैं बेबी को, क्योंकि फर्स्ट विजिट इज़ लाइक एनीथिंग टॉप ऑफ द वर्ल्ड। सब लोग चाहते हैं कि मेरे बेबी को मैं देखूं और मेरा ग्रैंड बेबी है उसको देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। इसमें देखिए मिलना अवॉइड कीजिए प्लीज़, क्योंकि ट्रैवलिंग में पता नहीं आपने अगर इन्फेक्शन हो गया आपको तो आप आके सबको दे देंगे। ऐसा केस हुआ है मेरी फ्रेंड्स एंड फैमिली में, एक ऐसा केस आया था, उनकी मदर आई और वो इन्फेक्शन था, उनको पता चला देखने से, वो लोगों ने क्वारंटाइन किया सारा कुछ किया लेकिन हुआ नहीं, वो हो गया सारे बच्चे और उनकी फैमिली को हो गया। तो पहली बात की अवॉइड कीजिए। दूसरा, अगर बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत लगे कि नहीं बस मर ही जाएंगे नहीं मिलने से, तो आपको बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने होंगे। ट्रैवलिंग के पहले कोविड रिपोर्ट चाहिए आपको नेगेटिव, उसके बाद जब ट्रैवल करके आए तो काइंडली 14 डेज या 15 या 20 डेज के लिए अपने आप को एक रूम में बंद कर लीजिए। तो क्या होगा, अगर कुछ इन केस आपने इन्फेक्शन कैच किया है तो वो पता चल जाएगा और आप ट्रांसफ़र नहीं करेंगे बेबीज़ को। और है नेक्स्ट, अगर मिलने भी जाते हैं बेबी से तो आप मास्क पहनिए, आप थोड़ा वो डिस्टेंस मेंटेन कीजिए 6 फीट वाला, वो अच्छा रहेगा। ज़रूरी नहीं है टच करना बेबीज़ को, कोई ज़रूरत नहीं है, बाद में कर सकते हैं। ओके, सो ये सब विजिट करा ही रहे हैं तो फेस टू फेस विजिट ना कराएं, ऐसा ना करें कि ड्रॉपलेट्स जा पाए बेबी के पास। तो